अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ फैंसी ड्रेसेस शेयर करूंगी। ये ऑडियो जैक ड्रेस है और ये इसकी जो डिटेल वीडियो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका नोप्स के साथ जो राउंड में हमने नेक बनाया है, इसके ऊपर सारा जो तिंदा वर्क है और इन हैंड बैड इसके ऊपर पर्ल्स का सारा काम है। इस ड्रेस के ऊपर कुर्ता स्टाइल में ये शर्ट स्टिच की गई है और इसके बाजू के आगे इस तरह से ये पर्ल वाली लेस नीचे से रख के इसके अंदर अटैच की गई है। इसकी सारी डिटेल की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अनस्टिच के वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये देखिएगा इसकी ओवरऑल लुक स्टिच करने के बाद किस तरह से इसकी लुक आती है और एक आप फैंसी ड्रेस को भी एक डिजाइनर लुक किस तरह से दे सकती है और फैंसी ड्रेस को भी आप एक जैसे आजकल डिजाइन फैशन मेन है। ये साइडों पे इसके लुक्स लगाए हैं, ये इसके चार स्लिट है जो इसके अंदर हमने फैशन पट्टी लगाई है, पाइपिंग की है इसके अंदर और साथ साथ हमने ये दो दो लुक्स लगाए शर्ट को राउंड में नेक के और जिस तरह से इसके चाक पे दो दो लुक्स लगाए गए हैं इसी तरह इसके नेक पे लूप्स लगाए गए हैं और इसके जो पैचेस अटैच करवाए गए हैं बाजार से एम्ब्रॉयडरी मशीन से। ये इसका पैच हमने फ्रंट और बैक साइड का दोनों का जो पैच है वो हमने बाजार से अटैच करवाया है और उसी पैच के नीचे इसी तरह से ये जो बनी बनाई लेसेस लटकने वाली बाजार से मिल जाती है पर्ल्स वाली और ये इसके पैच के नीचे ये भी हमने बाजार से इसके नीचे इस तरह से ये लेस अटैच करवाई है। ये देखिएगा ये इसके दामन का स्टाइल है, इसके नीचे हमने पर्ल्स वाली लेस अटैच करवाई है फ्रंट और बैक साइड पे और जो लूप्स लगाए हैं वो हमने फ्रंट साइड पे लगाए हैं। इसकी बैक साइड है, बैक साइड भी इसकी थिंदा वर्क के साथ है, वो नहीं एम्ब्रॉयडरीड है ये ऐसे और नीचे इसका ये अलग से जो पैच इसी ड्रेस का था वो हमने अटैच किया है इसके साथ और इसकी बैक साइड पे भी हमने इस तरह से ये पल वाली लेस जो है वो इसके साथ अटैच की है और यहाँ पे जो है हमने यहाँ सिंपल पाइपिंग की गई है बैक साइड के चौक पर। इसके स्लीव है और ऑर्गेन्जा में ये ड्रेस है, ये देखिएगा सिक्वेंस वर्क है, थिंदा वर्क है और इसके ऊपर इस तरह से ये ब्लू कलर के मोतियों का हैंडमेड इसके ऊपर काम किया गया है। ये सारा हैंडमेड इसके ऊपर इस शर्ट के ऊपर सारा काम किया गया इस शर्ट के ऊपर और बाजुओं के आगे भी इस तरह से ये लटकने वाली जो है ना लेस है ये इसके नीचे से आके ना ये देखिएगा अटैच की गई है। ये इसका ट्राउजर है, आप ये जो इसका फैब्रिक है ट्राउजर का रेशमी ड्रेसेस के साथ तो उसको भी आप एक डिजाइनर जो है ना वो उसको लुक दे सकते हैं, डिजाइन वाले ट्राउजर उसके भी रेडी कर सकते हैं। इसका जो हमने ट्राउजर रेडी किया है फ्रंट और बैक साइड जो है इलास्टिक वाली है और इसके ये साइड पे जो आ रही है यहाँ पे हमने पाइपिंग हुई है ब्लू कलर की ड्रेस के साथ की और इसका जो फ्रंट साइड वाला इस तरह से ये वाला जो इसका पोंचा है यहाँ पे हमें तीन तीन प्लेट दी है किनारे वाले और नीचे से हमने इसकी सिंपल फोल्डिंग की है। बैक साइड जो है इसकी इस ट्राउजर की वो सिंपल है इस तरह से और इसकी पेंट ट्राउजर की कटिंग है। ये इसका ट्राउजर है जहाँ ट्राउजर भी हमने डिजाइन वाला स्टिच किया है और ये इसका फुली हैवी एम्ब्रॉयडरी इसका शिफॉन का दुपट्टा है, ऑर्गेन्जा की शर्ट है और क्रिंकल शिफॉन का इसका दुपट्टा है। दुपट्टों पे कटवरक के साथ साथ ये फ्री वाली लेस अटैच की गई है और यहाँ पे एक साइड पे इसका जो बेल बनाई गई है दुपट्टे की ये माथा पट्टी वाली इसकी साइड है, यहाँ पे चौड़े वाली जो माथा पट्टी की एम्ब्रॉयडरी की गई है फुली एम्ब्रॉयडेड है ये दुपट्टा और दरमियान में जाल है और नीचे इस तरह से इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पे ब्रीक वाली बेल बनाई गई है। नीचे वाली साइड भी इसकी वो सिंपल है और जो इसकी फ्रंट वाली माथा पट्टी वाली साइड है वो इस तरह से कटवर्क में और कटवर्क के साथ साथ ही यहाँ पे रख के इसी तरह से इसके साथ लेस लगाई गई है और डबल लेस लगाई गई है। इसके साथ एक फैंसी लेस अटैच की गई है और साथ साथ एक फ्रिल वाली इसकी लेस जो है ना इस दुपट्टे के साथ अटैच की गई। ये जो दूसरा ड्रेस है ये नेट का है, बोट नेक के साथ है, इसके ऊपर मोतियों का और सीक्वेंस वर्क है सारे के ऊपर। फ्रंट साइड इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है इसके ऊपर, ये जो सीक्वेंस वर्क है इसके ऊपर और ये जो इसके ऊपर मोतियों का काम किया गया है ठीक है शर्ट के ऊपर। और ये काफी जो स्टिच करना वो काफी डिफिकल्ट होता है इसलिए इसके साइडों पे हमको डिजाइनिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सारे ये मोती वगैरह इसके उतारने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल इसकी जो है वो तरपाई कर दी है चार के ऊपर और फ्रंट के नीचे से हमने इसकी पाइपिंग की है। ये इसके स्लीव, हालांकि इसके साथ जो स्लीव का कपड़ा था वो बिल्कुल प्लेन था लेकिन इसकी साइड से जो कपड़ा बचा है उसी में से हमने इसके इसी तरह से पोतलों वाले सीक्वेंस वाले हमने इसके बाजू अटैच किए इसके साथ। इसमें से इसकी शर्ट की फ्रंट साइड जो थी इसी तरह से हैवी एम्ब्रॉयडर्ड थी और बैक साइड और बाजू इसके सिंपल थे लेकिन इस शर्ट को रेडी करते वक्त हमने कुछ भी इसका फ्रंट साइड का जो है ना हमने वेस्ट नहीं किया और इसके ऊपर से जो लेंथ के ऊपर से ये जो बचा है तो ये हमने इसकी बैक साइड पे अटैच करवा दिया है। और इसका अटैच करवाने का फायदा एक ये भी होता है कि बैक साइड अगर आपकी बिल्कुल सिंपल नेट की है तो ये पीछे से आपको उड़ती हुई महसूस होगी और अगर इस तरह से कोई पैच वगैरह आपकी फ्रंट साइड से बच जाता है तो वो आप बैक साइड पे लगवाए और आपकी शर्ट का फिर बैलेंस रहेगा, फ्रंट और बैक साइड से आपकी शर्ट बैलेंस रहेगी ठीक है, पीछे से उड़ती हुई महसूस नहीं होगी। इस तरह से इसके बाजू थे, बाजू भी इसके प्लेन
डिजाइन थे, लेकिन बाजू में भी हमने इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी का जो इसका पीस बचा है वो हमने लगाया, और नीचे हमने सिंपल नेट लगा दिया, और हाफ इसके बाजू के नीचे हमने इसकी स्लीव अटैच की है। ये बोर्ड नेक के साथ है, और बोर्ड नेक के साथ अगर आप ये कोई भी नेक बनाते हैं तो उसके अंदर इस तरह से आप ये बटन लाजमी अटैच करें, नीचे से आपकी स्लिप वगैरह की कुछ भी नजर नहीं आएगा। और इसके अंदर ये देखिएगा, ये हमने बटन अलग से इसके अंदर अटैच किए हैं दोनों साइडों पे। जब भी बोर्ड नेक आप बनवाएं तो उसके साथ इसके अंदर से इस तरह की बेल्ट लाजमी लगवाएं। फ्रंट और बैक साइड इसकी जो है वो बोर्ड नेक स्टाइल में है। का जो ट्राउजर है वो भी हमने डिजाइन वाला रेडी किया है, ये कितान से लेकर इसके नीचे सूट था ट्राउजर का, और जो इसकी अंडर स्लिप का कपड़ा था वो एक जैसा था नेट के अंदर से। और ये देखिएगा, तीन तीन प्लेट हमने इसके मीट में डाले ट्राउजर के, इस तरह से मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। ये लंबाई के रुख के हमने तीन प्लेट डालने हैं, और तीन प्लेट हमने इसके तिरछे रख के टेढ़े जो है ना वो हमने तीन प्लेट इसके नीचे डाल दी। इस तरह से आपका सिंपल ट्राउजर जो है ना थोड़ा सा डिजाइनर लुक देगा और अच्छी लुक देगा। इस तरह से ये वाले ट्राउजर है, और इसके साथ हमने फ्योर का दुपट्टा टाई करवाया है, जे कार्ड का दुपट्टा है, फ्योर का दुपट्टा, उसको हमने इस तरह से क्रश करवाए थे। और ये मैं आपको थोड़ा सा ये दुपट्टा जो है ना ओपन करके दिखा रही हूँ। इसको हमने पल्स वाली पिको करवाई है साइडों पे, और इसके अंदर इस तरह से इसका जो जे कार्ड बना हुआ है इस दुपट्टे के अंदर वो सेम कलर का है, और इस दुपट्टे को हमने इस नेट के ड्रेस के साथ सेम टू सेम इस तरह से मैं आपको दिखा रही शर्ट के ऊपर आके ये हमने कैश वाला इसके साथ दुपट्टा जो है ना वो रेडी किया। और दुपट्टे को हमने जो है ना वो पल्स वाली जो हमने फिको करवा दी है, सेम कलर के पल्स लगवाए हैं इस तरह से, और सेम कलर के हमने फिको करवा दिए। ये इसके साथ कैश वाला हमने दुपट्टा रेडी किया है। ये भी फुली हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, ये शिफॉन क्रिंकल का ड्रेस है, इसके ऊपर ये हमने नेक इसकी अटैच करवाई है, इसके ऊपर राउंड में इसका नेक था, और ये हमने नेक इसके ऊपर से इसके ऊपर अटैच करवाई है, बाजार से एप्लिक करवाई है। इसके ऊपर ये देखिएगा मोतियों का काम है, पल्स का काम है, सीक्वेंस का काम है, इसके ऊपर खूबसूरत इसके ऊपर इस तरह के नग लगे हुए हैं, नगों का काम है, सारा सीक्वेंस वर्क है, और लॉन्ग शर्ट में ये, और नीचे इसके ये सेपरेट पैचेस थे जो हमने नीचे इसके अटैच करवाए हैं। इस तरह से ये शर्ट की लुक है, ओवरऑल लुक इसकी दिखा रही हूँ। इसके साथ जो दुपट्टा है वो कंट्रास्ट का है, और इसके साथ जो स्लीव दिए गए हैं वो ऑर्गेन्जा के स्लीव है, और शर्ट का फ्रंट और बैक साइड जो है वो प्योर का है, और इसके साथ ऑर्गेन्जा के स्लीव्स है, और स्लीव के ऊपर भी फुली हैवी हैंडमेड इसके ऊपर वर्क किया गया है। इसके फ्रंट के ऊपर भी हमने जो पैचेस वगैरह हैं वो इसके अटैच करवा दिए, और इसके बाजुओं का जो पैच था वो हमने इसके ट्राउजर पे अटैच करवा दिया, और इसके दामन में से ये वाले यहाँ से जो पैचेस बचे थे और वो हमने यहाँ पे बाजुओं पे अटैच करवा दिए इसके साथ। इस तरह से कुछ भी आप अगर ध्यान से कटिंग करते हैं तो कुछ भी आप वेस्ट ना करें, और ध्यान से कटिंग करेंगे तो आपके इस तरह से जो बाजू भी कम्प्लीट हो जाएंगे और ट्राउजर पे भी आपका डिजाइन बन सकता है। ट्राउजर इसका बिल्कुल सिंपल था, ये इसका बैक साइड राउंड में इसका नेक है, और ये छोटी छोटी एम्ब्रॉयडर्ड इसकी शर्ट के ऊपर मोतियां बनी हुई हैं, नीचे से इसका दामन एम्ब्रॉयडर्ड है, और यहाँ पे इसका सिंपल पैच अटैच करवाया गया है। ट्राउजर पे हमने इस तरह से ये पैच अटैच करवा दिया। ये पेंट ट्राउजर की कटिंग है, फ्रंट और बैक साइड इसकी इलास्टिक वाली है, पेंट ट्राउजर की इसकी कटिंग है। ये देखिएगा फ्रंट और बैक पे इसके दोनों पे हमने इस तरह से इसका पैच अटैच करवा दिया, और ये इसका कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा है। ये दुपट्टे को भी सारा हमने एप्लिक वगैरह करवाया है, साइडों पे हमने इसकी लेस लगवाई है। ये दुपट्टे के इसके पैचेस अलग से थे, और ये यहाँ पे हमने इसको कटिंग करके इसको हमने एम्ब्रॉयडरी मशीन से बाजार से हमने इसको अटैच करवाया है। नीचे हमने इसके दुपट्टे का कटवर्क किया है, कटवर्क करने के बाद ये हमने जिस तरह से पाइपिंग लगाती है उसी तरह से हमने यहाँ दुपट्टे को खूबसूरत किनारे वाली सिल्वर व्हाइट कलर में ऑफ व्हाइट कलर में यहाँ पे लेस अटैच की है, और इसका किनारा भी सारा ये देखिएगा अंदर से फोल्डिंग में आ गया है खूबसूरत तरीके से। इसके लंबाई के रुख जो था वहाँ पे हमने इसको लेस अटैच कर दिए। ये इस दुपट्टे का दूसरी साइड का जो पल्लू है, पल्लुओं के ये पैचेस अलग से किए गए थे, और ये दुपट्टा हमने खुद से रेडी करवाया है, खुद से अप्लाई करवाया है। यहाँ पे ये देखिएगा कटिंग करके खूबसूरत तरीके से नीट तरीके से इस दुपट्टे को तैयार किया गया है। ये इसकी खूबसूरत सा दुपट्टा जो है वो बन के तैयार हो चुका है, और इसकी मैंने स्टिच की भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। टेक केयर, अल्लाह।